हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद 11th में हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेने के बाद हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। कई लोगों को क्या होता है, साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन उन्हें ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में क्या करियर ऑप्शंस हैं ये नहीं पता होते। तो चलिए आज हम लोग उसी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 10th में जो भी हमारे मार्क्स आते हैं, बोर्ड्स में जो भी परसेंटेज आते हैं, उसके हिसाब से हमें स्ट्रीम्स एलोकेट कर दी जाती हैं, स्ट्रीम्स दे दी जाती हैं। जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, 90 के अराउंड जिनके आते हैं, उन्हें साइंस दे दी जाती है, उसके बाद कॉमर्स और उसके बाद ह्यूमैनिटीज़। तो जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं वो लोग तो ऑप्ट कर सकते हैं कॉमर्स के लिए और ह्यूमैनिटीज़ के लिए, लेकिन जिनके कम आते हैं तो उन्हें ह्यूमैनिटीज़ मिल जाती है लेकिन वो लोग साइंस के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते, साइंस नहीं ले पाते। वैसे इंटरनल जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 10th उसी स्कूल से की होती है जिसमें वो 11th करना चाहते हैं, तो उनके लिए साइंस भी मिल जाती है। मेरे स्कूल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सबसे पहले करियर ऑप्शंस पे अब आ जाते हैं। तो सबसे पहला करियर ऑप्शन आपके लिए आ जाता है, DU में आप लोग कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपने 12th में ह्यूमैनिटीज़ लिए और 12th के बोर्ड्स में बहुत अच्छे परसेंटेज आए तो आप डेफिनेटली DU के लिए जा सकते हैं। DU में आप BA ऑनर्स कर सकते हैं सोशोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में। अब मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन जो है और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, इसके लिए आपको DU JAT एक अलग से टेस्ट होता है, DU का जॉइंट एडमिशन टेस्ट, ये भी देना पड़ेगा। अब ये वाली जो स्ट्रीम है मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ये उन लोगों के लिए जो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो भी आपके करियर ऑप्शंस हैं वो आपको यही करनी चाहिए, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी, आप BA ऑनर्स कर सकते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में और उसके बाद मास्टर्स करेंगे तो आप नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो है हमारा साइकोलॉजिस्ट, ये बन जाएंगे, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में आप लोग कन्फ्यूज मत होना, साइकेट्रिस्ट होते हैं मेडिकल डॉक्टर जो कि मेडिसिन के साथ ठीक करते हैं, मतलब अपने पेशेंट्स को मेडिसिन के साथ ठीक करते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एडवाइसेस देते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, और उन लोगों ने ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से स्टडी कर रखा होता है, उस पर रिसर्च कर रखी होती है, तो उन्हें पता होता है कि सॉल्यूशंस क्या होंगे प्रॉब्लम के, ठीक है। और इन एडवाइसेस के साइकोलॉजिस्ट चार्ज भी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लैट। क्लैट एक नेशनल लेवल एग्जाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको देने के बाद आप लॉयर बन सकते हैं। अगर आपकी अच्छी रैंक आई तो आपके एडमिशन होंगे NLU's में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद आपको 3 साल के बाद LLB की डिग्री मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है जज। अगर आपको जज बनना है तब भी आपका यही रूट होने वाला है, क्योंकि जज बनने के लिए आपके पास LLB या फिर LLM की डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद आप स्टेट के PSC एग्जाम देंगे, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम UP की बात कर रहे हैं तो UPSC आपका जज का एग्ज़ाम लेगा, आप उसे क्लियर कर जाते हैं तो आप एक सिविल जज बन जाएंगे, ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रीम पे, कॉमर्स। तो कॉमर्स में भी आपके DU कोर्सेज हैं, अगर आप अच्छे परसेंटेज लाते हैं तो उसमें BCOM कर सकते हैं आप, और BCOM ऑनर्स करना है तो आपके पास मैथ्स होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद फिर BBA है, और नेक्स्ट है हमारा BHMCT, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए भी आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, नेशनल लेवल टेस्ट NCHMJEE। अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो हमारे इंडिया के जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BHMCT कराती हैं उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा टेस्ट के रैंक के बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट है NDA। अब कई लोगों को क्या लगता है कि अगर आपको NDA में जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आपको इसमें जाना है तो आपको साइंस लेना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कॉमर्स ले रखी है जिन लोगों ने वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मैथ्स होनी ज़रूरी है, और वो लोग सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि NDA के पेपर में मैथ्स आती है और आपके पास मैथ्स होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके लिए लोग कॉमर्स लेते हैं। अब CA बनने के 3 लेवल हैं, 3 टेस्ट आपको देने पड़ते हैं, अगर आप तीनों क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप CA बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब CA लेवल 1 होता है CA फाउंडेशन, उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है CA इंटरमीडिएट का, और उसके बाद आता है आपका 3 ईयर की प्रैक्टिस। आपको किसी भी कंपनी या फिर फर्म में जाके इस वाले लेवल 2 के एग्जाम के बाद आपको किसी कंपनी या फर्म में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है 3 साल के लिए। उसके बाद आप फाइनल टेस्ट देंगे CA फाइनल, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट होता है। अगर आपने ये क्वालिफाई कर दिया तो फिर आप CA बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप साइंस स्ट्रीम पे। साइंस स्ट्रीम जो कि बहुत चर्चा में रहती है, इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना देखा है, तो डेफिनेटली आप साइंस के लिए जाइए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं कि आपको 8 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा, मतलब बैठ के ध्यान से पढ़ना पड़ेगा 8 घंटे। और ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने पढ़ेंगे और लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा मतलब बहुत ही रेयर केसेस में होता है और काफ़ी डिफिकल्ट है। इसमें आपको डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी, डे 1 से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तो आपका जो ये टेस्ट है JEE, इसमें काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं और लोग रिपीट भी कर रहे होते हैं।
तो अगर आपको इसे क्वालिफाई करना है अच्छी रैंक के साथ, तो डे वन से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे तो NIT या फिर स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है PCM या फिर PCB। आप लोग PCMB चारों सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, या फिर PCM और PCB अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो PCM जो है इसमें आप BSc कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, और BSc आप लोग वही DU से कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे आए हैं बोर्ड में तो आप लोग BSc DU से कर सकते हैं, बाकी BCA। अगर आप BCA करना चाहते हैं NIT से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा NIMCET का। अब ये NIMCET की रैंक के हिसाब से आपको NIT मिल जाएगा या फिर और कॉलेजेस। नेक्स्ट NDA आपके पास एक करियर ऑप्शन है। उसके बाद आप BTech, तो मोस्टली JEE देने के लिए लोग साइंस लेते हैं PCM उन्हें, क्योंकि BTech करना होता है और इंजीनियरिंग करनी होती है। तो आप BTech जो होता है वो भी JEE देने के बाद दो उसकी स्टेजेस होते हैं, मेंस और एडवांस। अगर आप मेंस देंगे और मेंस में अच्छी रैंक आती है तो NIT, CFTI या स्टेट के कॉलेजेस। अब ये CFTI है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जिसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसके बाद आ जाते हैं एडवांस पे। अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, एक कट ऑफ आती है मेंस के बाद, अगर आपने वो कट ऑफ निकाल ली तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और IIT के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपने एडवांस की भी कट ऑफ निकाल ली। बात समझ में आई? मतलब पहले मेंस की कट ऑफ निकालिए आप लोग ताकि एडवांस दे पाएँ, एडवांस देने के बाद IIT में एडमिशन के लिए उसकी भी कट ऑफ निकलती है, तो अगर आप एडवांस को क्वालिफाई कर जाएंगे तो IIT में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, PCB के कुछ करियर ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो आप BSc कर सकते हैं, अगेन वही DU से कर सकते हैं। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, उन्हें मेडिकल में जाना होता है, MBBS या BDS इस तरीके की मेडिकल की डिग्रीज चाहिए, तो वो लोग देते हैं नीट, जो कि एक नेशनल लेवल टेस्ट है, नेशनल लेवल टेस्ट है मेडिकल के लिए। और नीट में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, तो अगर आप लोगों ने सुना हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में अगर आपको जाना है तो बिल्कुल नीट देना पड़ेगा, अच्छी रैंक लानी पड़ेगी और एम्स में आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे BHMCT जो है इस पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है और BCA पे भी स्टार मार्क कर रखा है। BCA होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, और इन दोनों में स्टार इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि इसे ह्यूमैनिटीज़ के भी दे सकते हैं, साइंस के भी दे सकते हैं। BHMCT का जो टेस्ट है, कोई भी ब्रांच हो आप दे सकते हैं, BCA के लिए भी कोई भी आपकी स्ट्रीम हो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये सारे करियर ऑप्शंस क्लियर होंगे और आप लोग चूज़ कर पा रहे होंगे कि इनमें से आपको कौन सी स्ट्रीम चाहिए। फिर भी अगर स्ट्रीम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं @TBITClasses और वहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना डाउट कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।